हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाथरस मामले में इसे लेकर पूरे देश में रोष है। ऐसे में रोहतक बार के दो वकील आरोपियों के पक्ष में केस लड़ने को लेकर आगे आए हैं। दोनों ही वकीलों ने हाथरस जाकर आरोपियों के परिजनों से भी मुलाकात की है और उनके पक्ष में केस लड़ने की बात कही है। जबकि हाथरस बार के वकीलों द्वारा आरोपियों का केस न लड़ने से मना करने के बाद दोनों वकीलों ने आरोपियों का केस लड़ने का निर्णय लिया है। दोनों वकीलों का कहना है कि दोषी करार देना कोर्ट का काम है, वकील का काम है केस को लड़ना। ये दोनों वकील हमेशा गैंगरेप केस के आरोपियों के पक्ष में केस लड़ते हैं। रोहतक की नेपाली युवती के साथ निर्भया जैसी हैवानियत करने वाले आरोपियों का केस भी उन्होंने लड़ा था और रोहतक कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। देखिए, जैसे कि रियान स्कूल वाला केस आपने सुना होगा, उसमें एक दलित को ही बकरी का फंसाया हुआ था पुलिस वालों ने। जब हम उस केस में आए, उस केस में आने के बाद उसको बचाया भी और उसको क्लीन चिट भी मिली, वो भी एक दलित ही था। तब दलितों ने हमारा ये समर्थन नहीं किया कि आपने ये अच्छा काम किया, हमको अवार्ड नहीं दिया, पर हमको शांति थी कि हमने अपना काम किया है। आज जब एक दलित की लड़की के साथ गलत हुआ है और हम मीडिया भी ये दिखा रही है कि कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, पुलिस प्रशासन का भी इसमें प्रभाव हुआ है, तो आज वे हमारा पुतला क्यों फूंक रहे हैं? हम ना तो जज हैं, ना ही हम भगवान हैं। हम एक वकील हैं और वकालत करना हमारा कर्तव्य है, और अगर हम उसके वकील नहीं आएंगे तो कोई और तो वकील आएगा। पर आप ये पुतला फूंकना, ये एक गलत बात है और इनका हम विरोध करते हैं। और अगर ये हरकत ऐसी आगे चलती रही तो हम इनको लीगल नोटिस और इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए भी एमएसपी साहब से संपर्क करेंगे। हाथरस वाले मामले में वैसा ही हुआ है जैसे आपने सुना होगा, रियान इंटरनेशनल स्कूल में प्रद्युमन गुड़गांव वाला मामला था, उसमें पुलिस ने उसने मैनिपुलेट करके उसको कंडक्टर अशोक को, एक गरीब कंडक्टर अशोक को स्कैपगोट बना दिया गया था। बाद में उसमें भी बार ने, गुड़गांव बार ने और सोना बार ने ये रेजोल्यूशन पास कर दिया था कि हम इसकी तरफ से कोई भी वकील नहीं होगा। इसमें भी शुरू में ऐसी ही बातें आ रही थी, तो इसमें हमने वहां, हमें अप्रोच किया गया और हम वहां गए, हम सच्चाई से रूबरू हुए और हमें लगा कि जो कानून का नेचर है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और दोषी जो है वो बचना नहीं चाहिए, उसी भावना के तहत हम वहां गए और उन लड़कों की पैरवी वैसे ही करेंगे जैसे हमने प्रद्युमन वाले केस में उस गरीब कंडक्टर को बलि का बकरा बनाया था, उसकी पैरवी की थी और बाद में उसको बरी